सरकारी विभागों की लापरवाही के मामले यूं तो आए दिन सामने आते ही रहते हैं, लेकिन कुछ विभागों की लापरवाही और अनदेखी के चलते कई बार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सिस्टम की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी का एक ऐसा ही एक बड़ा मामला गोंडा जिले से सामने आया, जहां पर PWD विभाग की घोर लापरवाही और ठेकेदार के मनमानी से दो मासूम की जिंदगी चली गई और दो मासूम जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। दिल दहला देने वाला यह मामला गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सतिया गांव के डिगिया मजरे की है, जहां पर PWD द्वारा बनाई जा रही सड़क के लिए बगल से ही मिट्टी खोदी गई और उसी सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, तभी सड़क को वह हिस्सा जिस पर बच्चे खेल रहे थे भरभराकर बगल के ही गहरे गड्ढे में गिर गए और मिट्टी के साथ बच्चे भी गड्ढे में जा गिरे, जिससे चार बच्चे मिट्टी के अंदर दब गए। बच्चे की चीख पुकार सुनकर गांव वाले और खेत में काम कर रहे लोग पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी में दबे हुए बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल जाते समय दो मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया, जबकि दो बच्चों को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। हमारे गांव में घटना हुई है, मतलब सड़क बन रहा था तो वहां पे सड़क के लिए मिट्टी खदी गई थी जो JCB से खदी गई थी, और वो गड्ढा लगभग 8 से 10 फीट का था। उसी में हमारे गांव के बच्चे जो है खेलने गए थे और खेल रहे थे, वहां से फिर अचानक मिट्टी गिरी उनके ऊपर और मिट्टी दब गए, मतलब वो चार बच्चे थे। और उसके बाद हमने फावड़े से उनको खद कर निकाला, उसके बाद जब लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल तो दो लोग तो बचे लेकिन दो लोगों की डेथ हो गई। तहसील तरफगंज और ब्लॉक आपका है इसका नवाबगंज का मामला है, और यहाँ मिट्टी का ढेर था, उसमें चार बच्चे खेल रहे थे तो चार बच्चे फिसले ऊपर से ढेर से, और जिनमें दो बेचारे दब करके ईश्वरी गति को प्राप्त हो गए और दो एक घायल है, उनमें एक ठीक है, इनका इलाज हो रहा है। और इनकी घटना के गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित कर दी गई है, उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी तब तो